हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोइज और आप सब देख रहे हैं डिलीशियस मोइज किचन। सो यू आर वेटिंग एंड सीयर एंड वी आर बैक विद अ मोस्ट अवेटेड डिश बाय आवर व्यूअर्स, बकरीद स्पेशल डबल का मीठा। सो लेट्स सी व्हाट ऑल इंग्रेडिएंट्स इज रिक्वायर्ड टू मेक डबल का मीठा। तो चलिए, सबसे पहले हमने लिया है एक डबल की रोटी, मीठे की रोटी, उसमें से हमने आधी ली है सिर्फ। तो हम आज आधी रोटी का सिर्फ मीठा बना रहे हैं। आप ये रोटी कैसी होती है और इसे कैसे कट करने का तरीका है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो हमने उसमें से सिर्फ आधी रोटी ली है। तो उसके बाद हम लेंगे जायफल और जावित्री का पाउडर हाफ अ टीस्पून, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, और 1 टीस्पून हम लेंगे इलायची का पाउडर, और 2 टेबलस्पून हमने लिया है देसी घी, और 2 टेबलस्पून हम लेंगे टूटी फ्रूटी, और 15 to 20 ज़ाफ़रान के स्ट्रैंड्स, और ज़ाफ़रानी कलर हम लेंगे आधा चमचा। उसी के साथ हमने मिल्कमेड लिया है, हमें 2 से 3 टेबलस्पून मिल्कमेड इनफ है। और ये है हमारा 300 ग्राम्स ऑफ खोवा, जिसको हमने थोड़ा सा दूध मिलाकर उसे लिक्विडी कर लिया है। और हमने लिया है गार्निशिंग के लिए काजू बारीक कटे हुए, पिस्ताचू बारीक कटे हुए, बादाम बारीक कटे हुए, और थोड़ी सी किशमिश, और उसी के साथ हमने लिया है चांदी का वरक गार्निशिंग के लिए, और ये है 1/2 kg ऑफ शुगर, और उसी के साथ हमने लिया है 350 ml ऑफ दूध, और हमने लिया है 500 ml ऑफ वाटर। तो शुगर और वाटर की क्वांटिटी सेम रहेगी मेरे हिसाब के, जो पीसेस मैंने आपको काटना बताया है वीडियो में लास्ट, तो उस हिसाब के लिए मैंने ये मीठे का तरीका आपको बताया है। और हमने ये ऑयल रिफाइंड ऑयल है, हमने इसे ऑलरेडी गर्म होने के लिए 1.5 liter ऑफ रिफाइंड ऑयल ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया है। और आपको सब में असल चीज़ जो चाहिए होगी मीठा बनाने के लिए, ये है लगन, लगन और उसके साथ की थाली भी आपको चाहिए होगी। ज़्यादातर लोग ढापते नहीं हैं, लेकिन मैं ढापता हूँ ताकि परफेक्ट पीसेस हमारे क्रिस्पी भी बने और साथ ही साथ अंदर तक अच्छे बन जाए। तो हमने ये लगन लिया है आधी रोटी के लिए। आपको 5 किलो का भगोना लगेगा अगर आप एक रोटी का मीठा बना रहे हैं, तो ये बहुत ही केयरफुल रहकर बनाइए, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आइए देखते हैं बनाने का तरीका, शुरू करते हैं हमारे ब्रेड तलने से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने ब्रेड के पीसेस तलने से। ये हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, रिफाइंड ऑयल, हम इसमें अब तलेंगे इसे। बहुत सारे लोग घी का इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए मीठा, वो जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर आप घी इस्तेमाल करेंगे, चाहे डालडा घी रहने दीजिए या फिर दूसरा कोई वनस्पति घी रहने दीजिए, तो क्या होता है, ये मीठे को हम ठंडा खाते हैं, ज़्यादा गरम गरम नहीं खाते हैं, तो वो घी जो है सो जम जाता है ब्रेड के पीसेस में, और एज अ रिजल्ट हम जब खाते हैं तो हमारे तारफ को और हल्लख को ये घी चिपकता है। तो इसीलिए हमको घी का इस्तेमाल नहीं करना है तलने के लिए। हम जो घी डालेंगे 2 टेबलस्पून, इतने मीठे में काफ़ी है। आप एक रोटी में 100 ग्राम ऑफ या फिर 150 ग्राम्स ऑफ घी अगर डालेंगे तो वो इनफ हो जाएगा। बस वो भी हम मैं बताऊँगा आपको कब डालना है घी, तो इंशाल्लाह उससे असली घी का फ्लेवर भी अच्छा आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इस झारे की मदद से इसे निकाल लेंगे। देखिए, आपको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ये जो कलर है बिल्कुल परफेक्ट है, गोल्डन ब्राउन, जैसे हम प्याज तलते हैं गोल्डन ब्राउन, वैसे ही जो है सो आपको ये रोटी तल लेना है। हम इनसे निकाल लेंगे इसे, ये फर्स्ट बैच हमारा हो चुका है, सेकेंड बैच हम रोटी का तलेंगे इसमें। तो चलिए, ये हमारा सेकेंड बैच भी तल के रेडी हो चुका है डबल के मीठे का। तो अब हम ये कड़े को यहाँ से हटाएंगे और अपना लगन रखकर प्रोसेस शुरू करेंगे। तो ये देखिए, हमारे रोटी जो है सो अच्छी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, आपको परफेक्ट यही कलर लेना है बस। इसके बाद हम प्रोसेस शुरू करते हैं, चलिए आइए। तो हमने हमारा लगन रख दिया है और उसमें हम अब डालेंगे शुगर, हमारी जो शुगर थी वो हमने डाल दी है पूरी। अब हम इसमें डालेंगे पानी और अपना चूल्हा हम ऑन कर देंगे। ये 1/2 liter पानी इसमें लग जाएगा, हमने 1/2 liter पानी इसमें डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने ज़ाफ़रान के स्ट्रैंड्स रखे थे वो डालेंगे, और ज़ाफ़रानी रंग जो होता है डब्बी में छोटी मिलता है वो जो है सो हम डालेंगे 1 teaspoon इसमें, 1 teaspoon हम इसमें ज़ाफ़रानी रंग डाल देंगे। ये डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 teaspoon ऑफ जायफल और जावित्री का पाउडर, और इसके बाद इसमें जाएगा 1 teaspoon ऑफ इलायची पाउडर। अभी आप इसे एक बार अच्छे से स्टर करिए,
हम इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें अच्छी सी बॉईल आ चुका है, खलखली आ चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 300 ml ऑफ मिल्क, ये हमने दूध इसमें डाल दिया है। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे अब हमारे ब्रेड के पीसेस, जो हमने ब्रेड तल के रखी है वो पूरे हम इसमें डाल देंगे। इस तरीके से आपको पूरे इसमें ब्रेड के पीसेस डाल देने हैं। इसके बाद आपको इसे अच्छे से पकाना है अभी। तो आप देख रहे हैं कि लगन का साइज बिल्कुल परफेक्ट था आधी रोटी के लिए। तो अब मैं इसे कैसे बनाऊंगा, देखिए आप, आपको इसे मीडियम फ्लेम पर पहले बॉर्डर्स कवर करने हैं। अभी मैं इधर हटाऊंगा इसे, और मीडियम फ्लेम पर आप इसे इसके बॉर्डर्स पहले कवर करिए। बॉर्डर्स में ये अच्छा पक जाना है, उसके बॉर्डर्स पकने के बाद में फिर आप बीच में इसे बनाएंगे। तो आपको ऐसे थपकना है इसे ऊपर से, इस तरीके से आपको थपकना है। मीडियम फ्लेम पर आप पहले बॉर्डर्स को बनाएंगे। और अगर आप एक रोटी का मीठा बना रहे हैं और 5 किलो के भगोने में बना रहे हैं, तो आपको हाई फ्लेम पे ही बनाना होगा। और जो मैंने क्वांटिटी आपको बताई है, क्वांटिटी का बिल्कुल ख्याल रखिए, नहीं तो आपकी ब्रेड के पीसेस घुल जा सकते हैं। और शुगर और पानी की भी क्वांटिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और फ्लेम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फ्लेम बिल्कुल लो रख देंगे तो ब्रेड के पीसेस घुल जाएंगे। अगर आप फ्लेम को बिल्कुल परफेक्ट रखेंगे, मैं जैसे रख रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मीठा बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो अब हम इसे कवर करके पकाते हैं। इसे अब हम कवर करेंगे थाली से और इसे हम पकाएंगे। इसे ऐसे ही रोटेट करते जाना है, एक क्लॉकवाइज करिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज, एक ही डायरेक्शन में आप इसे रोटेट करते जाइए। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम इसमें डालेंगे 2 tablespoons ऑफ देसी घी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इससे आपकी रोटी जो है बिल्कुल क्रिस्प बनेगी और घुलेगी नहीं। दूसरी चीज़, आपको घी में तलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। देख रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त बन रहा है ये। तो इसी तरीके से आपको रोटेट करना है और इसे ढाप कर रोटेट करिए, और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसे ढापिए और रोटेट करते जाइए। हमको ये बनाने में सिर्फ इंशाल्लाह 6 से 8 मिनट लगेंगे सर, ऐसे रोटेट करके बनाने में। मैं आपको परफेक्ट टाइम बताऊंगा जब इसे हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है, नहीं तो आपका मीठा बिल्कुल सूखा हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने इसे 6 मिनट तक पका रहे हैं इसे, और हमने इसे मिडिल में कर दिया है। हमने साइड्स में इसे अच्छे से पका कर फिर इसे मिडिल में हम कर दिए हैं लगन को। देख रहे हैं आप कि कितना अच्छा ये बन रहा है। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम इसमें ऐड करेंगे, माशाल्लाह से चीखा मानना दिलवर आप बीच, क्या खुशबू आ रही है घी की, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जो भी है मीठा बनाए उन लोगों को अच्छा रखे। तो अब हम इसमें डालेंगे रेंजेस, किशमिश इसी टाइम पे डाली जाती है ताकि वो थोड़ी सी पक जाए तो बेहतर लगती है मीठे में। तो ये देखिए आप कितना शानदार पीसेस आपको दिख रहे होंगे, कितने शानदार है बिल्कुल। तो इस तरीके से ही हमें इसे बनाना है। अब मैं इसे कवर करूंगा सिर्फ 1 मिनट के लिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो बबल्स आएंगे थोड़े टाइट वाले, तो जब हम इसे फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें इलायची पाउडर डाल देते हैं। यकीन मानिए जो खुशबू आ रही है माशाल्लाह, लोग जो भी जितने भी लोग गोश्त देने आएंगे आपके पास, या फिर किसी भी मोमेंट पे आप जब बनाएंगे ये, तो बिल्कुल चीखा मारेंगे इंशाल्लाह, गारंटीड है। टेस्ट अगर आप प्रोसीजर अगर फॉलो करेंगे तो टेस्ट इज गारंटीड बाय मी। तो आई एम गोइंग टू कवर इट फॉर जस्ट 1 मिनट एंड आई एम गोइंग टू क्लोज दी शट दी फ्लेम सीधा। तो आप देख रहे हैं कि हमने अभी इसका लीड हटाया है, और आप देख रहे हैं कि इस पे बबल्स कैसे आ रहे हैं। इस टाइम पर हम इसका फ्लेम बिल्कुल ही स्लो कर देंगे, और जो हमने खोआ रखा था वो अब हम इस पे डालेंगे। इस तरीके से आपको खोआ पूरा स्प्रेड करना है, और अब आप इसकी फ्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे। तो मैं इसकी फ्लेम बंद कर रहा हूँ। अब हमारा ढक्कन का भी काम हो चुका है जो हमने लीड यूज़ की थी, तो अब आप इसे लीड मत लगाइए, थोड़ी सी हवा लगने दीजिए पीसेस को, उसके बाद हम इसे एक 5 से 10 मिनट के बाद सर्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीठा डबल का रेडी। मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप ड्राई फ्रूट्स अभी इसमें ऐड कर दें, विल ऐड ड्राई फ्रूट्स वाइल सर्विंग इट फॉर ऑन ईच प्लेट। तो ये मीठा आपका बनके रेडी हो चुका है, अब हम इसे थोड़ी देर से सर्व करेंगे।
तो चलिए अब हम इसे सर्व करें। देखिए आप निकालने का तरीका कैसा है, लोग ऐसे तोड़कर निकालते जैसे दही निकालते हैं, वैसा तरीका बिल्कुल भी नहीं है। आप नीचे से जैसे आप कटलीस वगैरह पलटाते हैं वैसा निकालिए। देखिए बिल्कुल परफेक्ट पीसेस घुले नहीं हैं, स्क्वायर साइज के पीसेस आपको दिख रहे हैं। उस तरीके से आप इस तरीके से आपको निकालना है और इसे सर्व करना है। ये देखिए शीरेदार मीठा कितना शानदार लग रहा है। अब हम इसे गार्निश करेंगे ये मीठे को। ये देखिए पीसेस कितने शानदार दिख रहे हैं। तो ये हमने मीठा निकाल लिया है, अब हम इसे गार्निश करते हैं। तो अब ये शाही मीठा है तो सबसे पहले जाएगा इस पे चांदी का वरक। लगाइए और चीखा मारिए, हर स्टेप पे चीखा मारना है इसमें, ये मीठे की खासियत है। तो ये लग गया चांदी का वरक। अब हम इस पे डालेंगे थोड़े से काजू, काजू के बाद जाएगा इस पे बादाम, बादाम के बाद हम डालेंगे थोड़े से ग्रीन ग्रीन पिस्ताचियोस। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी। अब लास्ट में अब क्या बचा है, वो है मिल्कमेड। चलिए मिल्कमेड डालते हैं। तो ये लीजिए आपका शाही मीठा बनकर रेडी है। तो फ्रेंड्स लीजिए बनकर रेडी है डबल का मीठा स्पेशली फॉर इरम हुसैनी। खाइए और इस बकरीद बनाइए इसे स्पेशली, और बनाकर मेरे हिसाब से और इंशाल्लाह आपके भी हिसाब से खाने वाले और बनाने वाले दोनों भी चीखा मारेंगे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एंड मोर डिलीशियस रेसिपीज। इसके पीसेस देखिए आप कितने से कितने अच्छे से क्रिस्पी है। अब मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ। वाह, ऐसा मीठा मुझे मिल जाए तो मैं पार्सल भी तो लेके आ जाऊंगा लोगों के पास से। तो खाइए और चीखा मारिए। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय अंटिल नेक्स्ट वीडियो।